जोहार दोस्तों सभी को, फिर से और एक न्यू वीडियो में आज सभी को स्वागत। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे धान गोदा हुआ है, इधर भी उधर, और ऑलरेडी आधा काट दिया है, काट के लाए हैं, तो बाकी खेत में ही पड़ा है और 2-3 दिन लगेगा लाने में। तो उस दिन जो सफाई किया था वो इधर ही ऐसे ही, वो भी घर में नहीं रखा है, ऐसे ही बाहर ही है, क्योंकि गीला था थोड़ा, उसको सुखाया जा रहा है बीच बीच में। और देख सकते हैं इधर भी धान सुबह को लाए थे, बाकी खेत में है, उसको नहीं बांधा है, वो भी जितना खेत में है वो भी बांध के लाएंगे। और बाकी अभी तो हम लोग जा रहे हैं जो लकड़ी कटे हैं बाउंड्री बनाने के लिए, जो बाउंड्री ऐसे ही पूरा खुला पड़ा है, हम लोग जिधर रहते हैं उधर जो ऐसे ही पूरा खुला मिला है, तो उसको पहले बाउंड्री बनवाएंगे लकड़ी से। उसके लिए लकड़ी तो काट दिया है ऑलरेडी, तो उसको ही लाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए उसको लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम जंगल में आ गए लकड़ी ढूंढने के लिए, जालने वाला, क्योंकि जालने वाला लकड़ी भी ख़त्म हो गया ना, इसलिए लकड़ी ढूंढने के लिए मेरी बेबी से, मेरी पत्नी मेरे को लाया है यहाँ पे, कहाँ पे लकड़ी मिलता है बोल रहा है, तो चलिए उसको साथ देते हैं। मैं तो ऐसे ही ये सब काम नहीं करता लकड़ी वकड़ी ढूंढने का। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब देसी दारू बनाते थे पहले, किसने बनाता था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एक डागवेल है बड़ा वाला, तो यहाँ पे दो भाटी बनवाया था, ये इधर एक, इधर वो उधर एक। यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ पर डागवेल है, यहाँ से पानी उठा के देसी दारू बनाते थे लोग, तो किसने बनाता था मुझे तो पता नहीं, अभी देख रहा हूँ ऐसे बनवाया है। यहाँ पे देखिए एक डाकवेल है बड़ा वाला, इधर से पानी उठा के यहाँ पे दारू बनाते थे, देसी दारू जो मोहली से बनता है, मोहला से बनता है, मोहली बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए कहाँ गए मेरे पत्नी, नहीं तो यहाँ पर डर भी लगता है, क्योंकि पूरा चारों तरफ पेड़ पौधे, पूरा अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं तो कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान इलाका। चलिए मेरी पत्नी को ढूंढेंगे कहाँ चली गई, उधर है शायद, तो उधर देखिए उधर लकड़ी कट रही है और जमा कर रहे हैं लेने के लिए। ये देखिए पूरा जंगल जैसा, बस अभी निकल गया मैं, उधर अभी जमा कर रही है। वहाँ पे जो आगे दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी एक डागवेल है, उधर भी हम लोग जब फरवरी मार्च को टाइम आता है उस टाइम हमारे गांव में पानी नहीं मिलता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहता है, यहाँ पे ही हम लोग आके नहाते हैं, तो यहाँ पे इतना जमा कर दिया लकड़ी, तो देख सकते जमा कर दिया, आज जितना ही लेंगे, इसको बांधना है अभी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग लकड़ी को बांध के लौट रहे हैं, मेरे बेबी देख सकते हैं आगे आगे जा रही है, और मेरा काम सिर्फ ये। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरे बच्चे ने क्या खेल रही है, यहाँ पे हम लोग गए थे लकड़ी लाने के लिए, वो इधर बैठ के खेल रहे है लाइन खंभा के नीचे, यहाँ पे अर्थिंग भी है, तो आके इसको मना किया, तो हम दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं और मेरी बच्ची, और वो मेरी बीवी आगे आगे जा रही है। तो दोस्तों गुड इवनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं पिट्ठा बना रही है मेरी बच्ची, रो रही थी पिट्ठा के लिए, उसकी इसलिए बना रहे, वो जो देख सकते हैं लकड़ी जो लाए थे उसको ही जला रहे हैं, क्योंकि गैस तो नहीं, लकड़ी से ख़त्म हो गया था, उसके लिए गया था वो 3-4 बजे। तो दोस्तों देख सकते हैं पिट्ठा बन के रेडी हो गया, अभी हम लोग खा रहे हैं, उधर मेरी बच्ची अकेला अकेला उधर ही खा रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा खा रही है क्योंकि रो रही थी, इसलिए कोना में बैठ गए उधर चले गए मेरे पीछे आ गए बहुत टेस्टी लग रहा है। उधर मेरे बीबी, इधर मैं,
दोस्तों अभी हम लोग आराम से खा लेते हैं।